नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज से पहले मयंक अग्रवाल चोटिल हो चुके हैं, तो अब कौन करेगा उनकी जगह ओपनिंग, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से पहले अभ्यास सत्र के दौरान टीम के साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की शॉर्ट गेंद सिर पर लगने से चोटिल हो गए हैं। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है। मयंक पहले टेस्ट से ही बाहर हो चुके हैं। इंग्लैंड दौरे पर गए भारतीय गेंदबाजों में सिराज सबसे तेज गेंदबाजी करते हैं। सोमवार को अभ्यास के समय मयंक ने उनकी शॉर्ट गेंद से नजर हटा ली, जिसके बाद गेंद उनकी सिर से पिछले हिस्से में लगी और हेलमेट से टकरा गई। वह हेलमेट खोलने के बाद कुछ असहज महसूस कर रहे थे और फिर फिजियो नितिन पटेल उनके साथ जमीन पर बैठ गए। इसके बाद वह सिर के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर पटेल के साथ नेट से बाहर निकल गए। यहां भारतीय टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मयंक के सिर पर चोट लगी है। रहाणे ने यह कहते हुए कहा कि मयंक अग्रवाल के सिर में चोट लगी है और चिकित्सा टीम उनकी निगरानी कर रही है, बाकी अन्य सभी खिलाड़ी फिट हैं। मयंक की जगह केएल राहुल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका दिया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर राहुल ने ज्यादातर टेस्ट मैचों की व्यापारी का आगाज किया है, लेकिन इन दोनों वह मध्य क्रम में खेलना बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में मयंक अग्रवाल चोटिल हो चुके हैं तो उनका पत्ता तो कट चुका है, जहां राहुल भी मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। और अब टीम के पास सलामी बल्लेबाज के एक और विकल्प मौजूद है, जो कि बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन हैं। इसके अलावा भारतीय टीम के पास हनुमा विहारी जैसे ओपनर भी हैं। अगर भारतीय टीम चाहे तो उनसे भी ओपनिंग करवा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम किसे ओपनर बनाना चाहेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।